तो देखो यहाँ का भी हो गया, फोटो वोटो खिंचवा ली हमने, और ज्यादा ठंड नहीं थी, यहाँ पे बर्फ थी, फोटो खिंचवा लिया। अभी वहाँ पे चलेंगे बेताब वैली, जहाँ पे बेताब मूवी की शूटिंग भी हुई थी, तो वहाँ पे चलते हैं। और यहाँ से अभी जिप बंद करो। अरे जिप नहीं होती भाई, ये टाइट है थोड़ी। मैं बताती हूँ। अरे नहीं होती, बंद होती। उफ, इतनी केयर। ठीक है, अभी टाइट होगी ना पूरी तो। बट कोई नहीं, ठंड से प्रोटेक्शन मिल रही है। नहीं मत कर ले, स्वेटर पहन रखे ना, मत कर। आई डोंट फील इम्पोर्टेंट एनी मोर। अब यहाँ तो कर ले। ठीक है चल भाई, चलो तो अब यहाँ चलते। खाना पीना यही करना है, हल्का फुल्का कर लेंगे। बेताब वैली में चलते हैं, वहां मिल जाएगा कुछ। मैं मेवात कह रहा था, मेरे को बेताब भूल गया, मेवात वैली कह रहा था, हरियाणा में है ना। चलो अब यहाँ पे देखो, ये चीजें भी एक ले लेता हूं। ये सारी फ्रिज मैग्नेट है, ये पूरा मैग्नेट है, ये सब मैग्नेट है। आई लव कश्मीर का दिखा दो कुछ। तो ये है ना इधर, वो जो बुद्धा का चैंट होता है वो भी कीरिंग में मिलता है? नहीं है वो यहाँ पे। ठीक है, आई लव कश्मीर है ना, दिस इज गुड। कितने की है वैसे? 50। ये मैं अपनी बायोग्राफी लिखूंगा। इतनी सी हुई है क्योंकि कुछ करा नहीं है। बाकी सारे बाकी पेजेस पे क्या लिखा है? आप क्या ले रहे हैं? आई एम टेकिंग दीस टू। ऑलराइट, दिस वन लुक्स गुड। ये इन्होंने अपने दिल की बात बोली है, जो थी वो निकल गई। जो थी वो निकल गई, सही में वो निकल गई। कोई नहीं, क्या हो गया, जिंदगी बहुत बड़ी पड़ी है। जा चुकी है अब मैं कबीर सिंह बनूंगा। जिम में तो काम आएगा ये है। किसके लिए? जॉइंट्स के लिए। ठीक है, मैक्सवेल को दिखाएगा। लो मैक्सवेल, आप मैक्सवेल। अरे लाग गंड है, मुझे में गंड लाग गया। गंड हो गया, रिकॉर्ड हो गई ना। गंड कह रहा है, ये देखो गंड। इसको बोलते हैं पीच, जिसने कश्मीर का पीच नहीं खाया उसका टूर अधूरा। आओ प्रोटीन कराना थोड़ा पीच। लो मैक्सवेल, आओ। अच्छा, ये मतलब एक्चुअल कीवी थी, उसको सुखा के कुछ करा। सुखा की। ले लें फिर, मिक्स करवा लें। एक मिक्स कर दो अभी, इनमें से कर दो। ये देखो भाई मसाला का, कश्मीरी मसाला क्या। ये ले, गिर गया। ये रख भाई एक बार। भाई सच में क्वालिटी अच्छे। देखो वहीं पे लिए थे ना, वो जो क्या थी वो बेरीज, और ये यहीं पे ही है। टर्न के ऊपर बढ़िया क्वालिटी इनकी। वो डाला सर, ये आया हिंदुस्तानी, आया पाकिस्तान सर। अच्छा, ये बीच में बॉर्डर सर। ना भाई आपका वो तो अच्छा है काफी। ये आलू 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 का है, क्वालिटी अच्छी है। लेकिन ग्लेशियर टी एंड कॉफी हाउस सही है, यहाँ से नीचे। मैंने बोला फूड की क्वालिटी काफी अच्छी है, ही इग्नोर्ड। डिंपल ने बोला भैया आपकी फूड की क्वालिटी अच्छी है, फूड भूल गया। कह रहा हम भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं, मुझसे नहीं लिया कॉम्प्लीमेंट। आ जाओ। देखो जब रास्ते में आते हैं ना नीचे, वही चंदनवाड़ी से, तो यही है बेताब वैली, मतलब नदी है छोटी सी। कौन सी है तो मेरे को नहीं पता, लेकिन ऊपर से ऐसे। और इस पे जाने का रास्ता देखो वो है, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी, टिकट वगैरह भी लगती है। तो चलो ठीक है, थोड़ी खुली जगह है, चलते हैं। ये देखो यहाँ लेफ्ट, सीधे तो वहीं चले गए पहलगाम, और नीचे गाड़ी उतारनी पड़ेगी इसके लिए। बेताब वैली का उल्टा उल्टा लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ नीचे खड़ी हो जाएगी गाड़ी। यहाँ पे बेताब फिल्म की शूटिंग हुई थी, उसके बाद इसका नाम बेताब रख दिया था। ओ भाई इधर उधर, यहाँ भी मतलब छोटा पार्किंग का ग्राउंड है, अब हम इधर ही करेंगे ना बिल्डिंग की तरफ। चलो यहाँ लगा देते हैं। कहाँ लगा देते हैं? वहाँ निकली है गाड़ी आगे। चलो वहीं चलते हैं ना नजदीक, फिर टवेरा निकली है। लाल हो गया भाई, काली तो यार ऐसे दे दियो। यही पे ब्लैक वाली की सास कोट आ रहा है। कर दो बंद ना, चलने देना। ये क्या कहेगा, इसकी भी सुनेंगे बुकार। जी जी नहीं भैया, हमारा नहीं है फोन, हमारे पास तो है हमारा।
वेलकम सर, वेलकम, थैंक यू। अरे जो मेन एक्टिविटी से ये पानी में घोड़ा चलता है अंदर। ओ भाई, तो पानी के ऊपर आवाज बंद करो, आवाज बंद करो इसकी। चलो बाहर देखते हैं, फोन वोन ले लो भाई अपने। क्या दिखा रहे हो, हमें भी दिखा दो। ये देखो कॉपीराइट आ जाएगा अभी। ना आवाज बंद रखना बस। आवाज है ना, इसको खाने लगा क्या है ना, इसके बाद यहाँ पर ग्रीन वैली पे लेके जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये है सर, इसके बाद ये बादल के ऊपर फोटो, ये लड़की थी। नाइस, ये देखो सर। हाँ ठीक है, चलो देखते हैं एक बार अंदर तो होके आए, करवा ले भाई। सो की एक है ना, चलो सही है यार। सही है भाई। देखो व्यू तो है, एक तो ये रहा और फिर एक ये, यहाँ से अब ये हम आए हैं, छोटा सा वो कैफे है, ये पेड़ वेड है और इधर। चलो भाई ख़त्म हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं था, फ़ोटो वोटो खिंचाई, अब चलेंगे श्रीनगर। श्रीनगर में रोकेंगे गाड़ी सीधी, अगर बीच में कुछ ढंग का दिखा तो रोक देंगे। देखो पहलगाम से श्रीनगर है कितना था, 100 के आसपास था श्रीनगर पास थी, हाँ 190 प्लस था। तो थोड़ी देर ये सिंगल रास्ता आएगा, फिर ये अनंतनाग वाले रास्ते में मिल जाएगा। तो ये थोड़ी देर के लिए यहाँ पे नज़ारे वैसे अच्छे हैं, रोड कंडीशन अच्छी है लेकिन। और चलो तब तक मैं आपको पहलगाम तक का भी बता देता हूँ। रामबन करके जो जगह होती थी ना, वहाँ पे अभी कोई भी जाम नहीं है, रोड चौड़ा हो गया है, टनल बन रही है। तो पहले दो दो तीन तीन घंटे जो फंसते थे, वो सीन अभी वहाँ उसमें नहीं है, तो आराम से जाओ उसमें। उसे थोड़ा सा आगे ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो ऐसा जाम नहीं लगेगा कहीं भी, ये चीज बहुत ही अच्छी हो गई है। मार्केट भी आ गया बीच, मतलब रास्ता मैं आपने जो दिखाया था, अब हाईवे कितना दूर है दैट आई डोंट नो, बट मार्केट शुरू हो जाती है थोड़ी आगे जाके तो एकदम लाल, लेकिन सबके वो रोकनी पड़ेगी यहाँ तो। किसी किसी के हाथ नहीं दिख रहे हैं ना, एक एक मोए मोए नहीं, इसके पीछे लॉजिक है वो बताएंगे। भाई मैं ऑन और नहीं बजाऊंगा, इरिटेट हो जाएंगे, हल्का हल्का ये ट्रैफिक से निकले तब। बीच में हरा ही नाम है भाई, देखो एटीएम पे लिखा हुआ है बीच में हरा, ये लिखा ना मैंने सेक्रेटेरिएट बीच पे, बीच पे आ रहा मोड़ने की जगह कहाँ है अब, यहाँ इतने ट्रैफिक में वापस कैसे। ये देख भाई हमारी गाड़ी वापस वो नीचे उतरवा दी, खुद नहीं हो रहे, दो दो तीन तीन लेन बना दी। ये जैसे कई बार पहाड़ों वाले बोल देते हैं ना, ये दिल्ली हरियाणा वालों को आती नहीं, गाड़ी पलटा देते, अब तुम्हारे खुद के देख लो रोड पे तीन तीन लाइन है। ये देख ये निकलेगा बाहर और येलो लाइन है स्ट्रेट, मतलब तुम क्रॉस कर ही नहीं सकते इसको। फिर भी चलो गाइस, मेरा काम यहीं पे समाप्त होता है, मुझे यही दिखाना था कि हम हाईवे पे आ चुके हैं। गिर जाएगा इतनी स्पीड में फोन, ब्रेक ब्रेक मार, नहीं मैंने पकड़ रखा, थोड़ी देर में बंद कर। देखो वहां से निकल के ना, हमने जो क्लिप अभी रिकॉर्ड करी थी उससे जस्ट बाद जम्मू और श्रीनगर के लिए NH44 वापस आ गया, लेफ्ट में चला गया जम्मू और राइट में ये श्रीनगर अभी वापस, तो ये रोड अभी श्रीनगर तक जाएगा, तो अब रोड ठीक है, 4 लेन हाईवे ऑलमोस्ट।
अभी जमी नहीं है, लीक फेब में जम जाएगी। क्या चल रहा है यहाँ? वो यहाँ भी खड़ी करके ना, तुम देखो यहाँ भी बोटिंग के लिए जा सकते हो, लेकिन हम लेक के ना उस वाले पॉइंट पे जाएंगे, डल गेट पे। देखो जब मैप में हमने डाला है ना डल लेक, तो वो पानी के अंदर लोकेशन मतलब डेस्टिनेशन दिखा रहा था, तो अभी हम थोड़ा सा उसको छोड़ के वापिस आ गए। और ये इसके ना काफी घाट है, काफी एंड है, यहाँ पे भीड़ काफी है, पानी के अंदर मार्केट है शॉपिंग करनी हो तो एक तुम लोकेशन डाल लेना अगर तुम्हें इस तरफ आना है, होटल ड्यूक, उसके आसपास ही खाने की भी काफी है, होटल में जाना नहीं है बट इधर भीड़ काफी है खाने पीने के, तुम्हें नॉर्मल खाना खाना है तो इस पॉइंट की तरफ ज्यादा है, बाकी तो नहीं है, थोड़े बहुत कैफे वैफे टाइप है, यहाँ पे बोट हाउस भी काफी है। एक बार मैं वो रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच जाऊं, इधर थोड़ी भीड़ भी मिलेगी लेकिन गाड़ियों की। मैंने भी वही डाला हुआ है होटल, 300 मीटर है, कितना? हाँ 300 है। तो ये देखो यहाँ पे दुकानें हैं काफी, इधर बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं स्टे के। सारी बुकिंग तो भाई इनके यहीं से होती होगी, इसकी बोट हाउस की और इन सब की। देखो अभी हम ना बोट हाउस एक बार देखने जा रहे हैं, उधर गाड़ी खड़ी कर दी ऑन रोड, चले चलो भाई, इसे वाने थोड़ी बोट की राइड भी होगी। चार बंदों का कितना अभी बता रहे हैं? 4000 तो विद फूड, 3000 लोगे तो विदाउट फूड, तो इनका बोट हाउस है इधर पीछे, फोकस करके दिखाऊंगा, वो देखने जा रहे हैं एक बारी। होटल बहुत है लेकिन ये बता रहे हैं लेक जम जाएगी जनवरी के अंदर, पूरी जम जाएगी। और क्या बता रहा, शकीरा भी कर, शिकारा राइड, मतलब बोट में लेके जाते हैं काफी सारी चीजें, वो हैं कुछ आगे भाई इधर ना पानी की तरफ जाओगे शॉपिंग भी होती है, चलती बोट के पास भी आ जाते हैं बेचने। चलो ठीक है, ओ शकीरा राइड पे चले। सही है भाई, कहाँ है पार्किंग? इधर है भाई, ये ट्रैवलर तंबू जैसे बने हुए ना। अच्छा ये छोटे छोटे ये तंबू जैसे देख रहे हो ना, हाँ ये पार्किंग है। अगर हो सकता है होटल लो तो होटल के अंदर पार्किंग मिल जाए, वैसे अगर घूम रहे हो बोट हाउस वगैरह लेते हो तो हो सकता है कि इनमें गाड़ी खड़ी करनी पड़े। पूरी रात के गाड़ी के कितने पैसे लगते हैं? उधर ही होगा। क्या चार्जेस है वैसे? अंदाजा 200-300। 200-300 कोई नहीं, ठीक है। बोट से गाड़ी नहीं आ जाएगी हमारी इधर? होटल्स वो तो काफी है भाई, है ना? एक बिल्कुल इसके उस साइड है, सेम ऐसा ही, सेम सेम है। बाथरूम कैसा है भाई? आप देख लो भैया, बाथटब वगैरह। बाथटब है? इसमें गर्म पानी आ जाएगा? गर्म पानी आता है लेकिन बाथटब आप भर नहीं सकते, मतलब अच्छा ज्यादा पानी ले लेगा। ना गर्म पानी से उतना नहीं आता ना, बाथटब आप भर नहीं सकते, है तो छोटा ही यार। ये ऐसा ही होता है हाउसबोट का, सब में ऐसा ही है, सब में ऐसे ही। चार बंदों वाला था वो तो फुल हो गया भाई, हाउस बोट होता है पता लगता है हाउस बोट में हम। उसे मन को फीलिंग है, बाहर जाके बैठेंगे ना इसे, जैसे इन्होंने बैठने का बनाया हुआ है, तुझे लग रहा है इनमें से ठंड में से एक भी आगे बैठे हैं, वो बात अलग है। जैसे डिनर करना हो बाहर बैठ के करो तो टेबल वगैरह भी बाहर, लाइट वाइट रात को तो नजारा बढ़िया हो जाएगा, चल ठीक है देख लेंगे बैठ के आप नजारा। मतलब मैं तो प्रेफरेंस दूंगा एक नाइट तो गुजारने लायक बोट हाउस, फिर आपकी मर्जी है। हां कोई नहीं देख लेते हैं, थोड़ा छोटा है ये क्या चीज है? अच्छा हीटर भी है इसमें, हीटर है। देख लिया, अभी उन दोनों को भी एक बार बताना पड़ेगा ना, चलते हैं देखते चलो वापस। अगर यहाँ पे रुकते हैं ना तो एक बोट ये दे देते हैं, अगर मान लो किसी को क्रॉस करके बार बार जाना हो खाने पीने शॉपिंग करने तो यू कैन गो। ये कितने साल तक इनकी लाइफ होती है पानी के अंदर? अगर अच्छे से मेंटेन करेंगे तो 6 साल भी निकल। किस लकड़ी का बनाई है? ये देवदार लकड़ी का, देवदार लकड़ी की है भाई, सोने से महंगे। ये जो एक नया
सौ सौ साल। हाँ करीबन करीबन 5 करोड़ रुपए का बनेगा पूरा। पाँच पाँच करोड़ का एक बोट हाउस, एक बोट हाउस वो 4-5 रूम के ही 5 करोड़ का बनता भाई। इतने का तो कोठी बंगले नहीं बनते। 1 स्क्वायर फुट लकड़ी का 8,000-10,000। देखो अभी यहाँ पे आए पंजाबी दरबार प्योर वेज, इस पे खाने के लिए अच्छा है। और बोट हाउस का ऐसा है कि एक बार देख लेते, रूम थोड़ा ना कंजेस्टेड थे, अंदर बैठ के ऐसे लग नहीं रहा कि तुम बोट हाउस में रुके हो, तो फील नहीं आ पाएगी, बस मन को तसल्ली देने के लिए कि हाँ बोट हाउस में रुके थे। तो देखेंगे, डबल थॉट दे रहे हैं कि होटल में रुकें क्या करें, बोट हाउस का वैसे मज़ा लेना, कल वहाँ पे कुछ लंच वंच कर लेंगे, अभी के लिए तो यहाँ पे एक बार खा लेते हैं, भूख लग रही है। देखो गाड़ी यहाँ खड़ी है, होटल पैसिफिक, ठीक है सर जी, यहाँ पे कैमरा लगा। ओके कहाँ लगा है? अच्छा नहीं मैं वैसे खुद के लिए बनाता हूँ। अच्छा गाड़ी के ऊपर है सर्विलेंस? आपकी जो आपका रूम है ना उसके सामने खिड़की से आपका अपनी गाड़ी। कौन सा वाला रूम है मेरा? वो ये इसके सामने पहले वाला। अरे वाह बढ़िया। यहाँ पे एक्चुअली मैं 2 साल पहले भी आया था, तब भी फैमिली ट्रिप पे था, तो ये होटल बढ़िया है, इसका रूम बहुत ही बढ़िया। अगर बाहर से भी देखोगे ना फील ही अलग है, अगर बाकी होटल देखोगे तो इसके सामने कुछ नहीं लगते हैं। और एंट्रेंस इतनी ज़बरदस्त है, कोई प्रमोशन टाइप नहीं है बट इट्स लाइक वर्थ। देखो रूम इतना बढ़िया है ना, ये देखो सारी चीजें भाई, केटल वेटल और दूध वगैरह और कॉफी कुछ भी अगर आपको बनाना है बहुत ही बढ़िया। हीटिंग वाले ब्लैंकेट होते हैं, देखो इस तरह तरीके की किसी भी जगह जाओगे ना ठंड में, कश्मीर श्रीनगर पहलगाम, हीटिंग वाले ब्लैंकेट मिलते हैं। ये लाइटें वाइटें बढ़िया होटल है। एक एक सबसे बढ़िया बात ये है कंस विद कार भी हो तो अपनी खड़ी है, तो ये बिल्कुल पास में नहीं है पार्किंग है यहाँ पे, तो अगर जैसे कहाँ गिरे चाबी अभी तो थी फिर खो दी, अरे अभी तो निकाल के जेब में है, अरे यार रख तो दिए यार वारी। ठीक है यहाँ पे गाड़ी अगर देखनी हो नज़र वगैरह मारनी हो तो यहीं से कर लो। बाथरूम के दर्शन भाई इट्स प्योर वाइट, बहुत ही बढ़िया, कल वाले से तो मच 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 बेटर है। जैकवार आंखें चंद आ रही, अब लग रहा है आ रहे हैं कश्मीर में, पहलगाम में तो कटिया था। कैसे पीछे पड़ रही है गाड़ी की फोटो तो बर्फ के साथ नहीं आएगी, वो वहां थोड़ा सा अपना कट गया भाई, मेरे को खुद पे क्रश आ रहा देख देख के। ओ भाई ये रे कितने